Today we shine the spotlight on the hidden gems of the Indian automobile world. Cars that deliver amazing value and features but often go unnoticed. Here are the top 5 underrated cars in India. Hello, this is Jyoti. Welcome to Wanderlust. Underrated cars often provide more bang for your buck. From stylish sedan to versatile SUVs, these vehicles excel in performance, comfort and safety, but don't always get recognition they deserve. तो इन अंडररेटेड कार्स की लिस्ट में फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी होंडाई की ऑरा। ऑरा इज एन ऑलराउंडर कॉम्पैक्ट सेडान ऑफरिंग कंफर्ट, स्टाइल एंड एफिशिएंसी, परफेक्ट फॉर द सिटी एंड हाईवे ड्राइविंग। होंडाई ऑरा का प्राइस स्टार्ट होता है 6.33 लाख से एंड 8.90 लाख तक का इसका एक शोरूम प्राइस होता है। एंड इसके की फीचर्स की बात की जाए, इंजन ऑप्शन में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल एंड आपको 1.2 लीटर सीएनजी दोनों में ही ये गाड़ी मिल जाती है। फीचर्स की बात करें तो वायरलेस फोन चार्जर, 8 इंच का टच स्क्रीन एंड आपको कोल्ड ग्लोव बॉक्स भी मिल जाता है। सेफ्टी के लिहाज से आपको यहाँ पर मिलते हैं 6 एयरबैग्स, ABS एंड EBD, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है एंड माइलेज इसका होने वाला है 20 किलोमीटर पर लीटर एंड 28 किलोमीटर CNG में आपको मिल जाता है इसका माइलेज। नंबर 4 पे हमारी होंडा की जैज है, जो कि प्राइस स्टार्ट हो जाता है 8.11 लाख से एंड 10.41 लाख तक इसका एक शोरूम प्राइस आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं की फीचर्स की बात करूँ तो इंजन मिल जाता है आपको 1.2 लीटर पेट्रोल में, इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस केबिन मिलने वाला है, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री मिलने वाली है, मैजिक सीट्स फॉर फ्लेक्सिबल स्टोरेज होने वाला है एंड आपको यहाँ पे 7 इंच का आपको टच स्क्रीन मिलने वाला है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले एंड रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है। सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर आपको डुअल एयरबैग्स, ABS एंड EBD तो मिल ही जाते हैं, साथ ही आपको रियर वाइपर भी मिलता है। एंड नंबर 3 पे आती है हमारे रेनॉल्ट की ट्राइवर, जिसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है 6.34 लाख से 8.92 लाख तक जाता है, जो एक शोरूम प्राइस है। की फीचर्स की बात करूँ तो इंजन आपको 1 लीटर पेट्रोल में मिलने वाला है एंड मॉडुलर सीटिंग मिलने वाली है, 7 सीटर गाड़ी है विथ ईजी फिक्स सीट। सेफ्टी की बात करूँ, 4 स्टार ग्लोबल एनकैप की रेटिंग मिली हुई है, 4 एयरबैग्स इन टॉप वेरियंट्स पे आपको मिल जाते हैं। 8 इंच का इसमें आपको टच स्क्रीन मिलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट एक्सेस कार्ड भी मिलता है फॉर कीलेस एंट्री। अभी जो सेकंड नंबर पे गाड़ी है निसान की मैग्नाइट, ये भी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड गाड़ी है और इसका प्राइस तो सिर्फ 5.99 लाख से शुरू होकर के 11.5 लाख तक जाता है एक्स शोरूम प्राइस की मैं बात कर रही हूँ। की फीचर्स की बात करूँ तो इंजन ऑप्शन में आपको 1 लीटर नेचुरली एस्पायर्ड पेट्रोल में मिल जाता है, 1.0 टर्बो पेट्रोल में भी मिल जाता है, सेफ्टी में आपको 6 एयर बैग मिलते हैं, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिलता है, हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाता है, इंटीरियर में आपको 8 इंच का आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, वायरलेस एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, कूल ग्लो बॉक्स, 7 इंच डिजिटल क्लस्टर। तो ये काफ़ी फीचर इस गाड़ी है और इसका एक्सटीरियर LED ड्रिल्स, 16 इंच के अलॉयज भी मिलते हैं आपको, 360 डिग्री कैमरा मिलता है। इतनी फीचर इस गाड़ी अभी तक अंडररेटेड है। ये कॉम्पैक्ट SUV काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। द निसान मैग्नाइट इज कॉम्पिटिटिवली प्राइज्ड एंड पैक्ड विद फीचर्स, मेकिंग इट अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी SUV इन दिस सेगमेंट। और कार जिसे मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है वो है Volkswagen Virtus, जो कि आपकी 11.48 लाख से स्टार्ट होती है, 18.78 लाख तक जाती है इसका एक शोरूम प्राइस है, ये थोड़ी सी प्राइसी है। की फीचर्स की बात करें, इंजन ऑप्शन में आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मिल जाता है, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल मिल जाता है एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, ये जर्मन इंजीनियरिंग विद अ 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग है। तो अगर आपको एक प्रीमियम और सेफ कार की तलाश है तो Volkswagen आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पर आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और आपको मिलती है वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल कॉकपिट। माइलेज की अगर बात की जाए तो 18-19 किलोमीटर का माइलेज भी आपको मिल जाता है, सो दैट ये कार को भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में जाना चाहते हैं। प्लीज लेट मी नो आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा अंडररेटेड लगती है और आपको लगता है उस कार को बाय करना चाहिए पर वो बहुत ही अननोटिस रह गई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड हाँ, जाने से पहले लाइक का बटन ज़रूर से दबाएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। वंडरलस्ट ज्योति, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।